सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 29 जुलाई 2019 मंडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं. नया वीक है, पहला ट्रेडिंग सेशन है. इस वीक काफी क्रूशियल मेजर इवेंट्स है. यूएस फेड पॉलिसी का आउटकम है, उसके बाद कई सारे कंपनीज का, मेजर कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है. उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो जीएसटी था 12% वो घटाकर डायरेक्ट 5% कर दिया है. तो काफी क्रूशियल वीक है ये. देखते हैं इस वीक में क्या निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनते हैं, क्या आज के लिए इंट्राडे स्ट्रेटेजी होगी निफ्टी की. लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है 26 जुलाई यानी फ्राइडे का, आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आए बटन में आपको मिल जाएगा. तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,284 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,228. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ फ्राइडे के दिन तो इसने हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक कर दिया और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ. हमारा फर्स्ट टारगेट 11,207 ऑलमोस्ट अचीव हुआ था. इसने लो 11,210 का लगाया और यहाँ से ही इसने पुल बैक मूव दिखाया और ऊपर जाके हमारा ब्रेकआउट लेवल जो था 11,284 ये ब्रेक कर दिया और एग्जैक्ट जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 11,307 ये अचीव्ड हुआ. और फ्राइडे को एग्जैक्ट निफ्टी का हाई 11,307 ही था, तो काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ. और क्लोज भी हुआ तो 11,284 जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था. तो लेवल्स काफी एक्यूरेट साबित हुए. तो इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करने का मौका मिलता तो 30 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात भी क्विकली देख लेते हैं. फ्राइडे को डाउ जोन्स नैसडैक हरे निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे, लंदन जर्मन और फ्रांस मार्केट, तो वहां पर भी पॉजिटिवनेस देखने को मिला. आज जब एशियाई मार्केट मंडे को ओपन हो चुके हैं तो थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है. निक्के 131 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट भी थोड़ा प्रेशर में है. यूएस और चाइना के बीच में फिर से एक बार ट्रेड निगोशिएशन के ऊपर चर्चा होने वाली है शांघाई में, तो थोड़ा सा उससे पहले दबाव देखने को मिल रहा है. हांगकांग भी 322 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर लास्ट 24.5 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था और एसजीएक्स निफ्टी अभी 27 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो थोड़े से एशियाई मार्केट आज हफ्ते के शुरुआती दिन में एक थोड़े से प्रेशर के अंदर दिखाई दे रहे. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. हम मंथली चार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि 3 दिन बचे हैं इस मंथ को खत्म होने के लिए. तो मंथली चार्ट में क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या सिनेरियो बनने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक बार थोड़ा एनालिसिस करते हैं. मंथली चार्ट में हमने यहाँ पर क्लियरली देखा था कि बियरिश डाइवर्जन यहाँ पर आरएसआई के बन रहे हैं. आरएसआई यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा पा रहे आरएसआई. और यहाँ पर देखे प्राइस एक्शन में तो हायर हाईज बन रहे थे. लास्ट मंथ से यहाँ से प्राइस एक्शन में यहाँ से गिरावट देखने को मिली जो कि हमें यहाँ पर ये बियरिश डाइवर्जन इसका सिग्नल दे रहा था. तो अभी फिलहाल यहाँ पर कैंडलस्टिक को देखें तो ये जो जून का कैंडलस्टिक है, ये जून का कैंडलस्टिक है और इसके बाद ये इस मंथ का जुलाई का कैंडलस्टिक है. तो यहाँ पर ये स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है. तो इसने ये जो प्रीवियस हाई था, ये प्रीवियस हाई यानी ये स्विंग हाई था, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ था रेजिस्टेंस फेस के और उससे पहले यहाँ से, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके ये ट्रेंड रिवर्स हुआ था. तो ये दो रेजिस्टेंस के पॉइंट है पास्ट में जो कि अभी सपोर्ट का काम कर सकते थे. तो हमने देखा था 11,750 के पास ये कई टाइम ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, वो ब्रेक होने के बाद ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ने लगा. तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस का लेवल होगा ये अभी जाके सपोर्ट का काम कर सकता है. तो अराउंड 11,150 के पास ये सपोर्ट का काम कर रहा है. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये जो मे का कैंडलस्टिक है एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने लो लगाया था और बाउंस बैक हुआ था.
तो 11,150 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये 11,150 को ब्रेक नहीं करता, हमें ऑल टूवर्ड साउथ की तरफ एक्सटेंड होता हुआ ये मूव नहीं दिखाई दे सका। अगर मंथली चार्ट में ये अगर क्लोज होता 11,150 के नीचे, तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 10,900 के पास होगा, जो कि है 20 EMA, मंथली चार्ट में 20 EMA अभी 10,900 के पास आ रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगा। तो क्रूशियल दो सपोर्ट है आसपास। अगर निफ्टी फॉल भी होता है यहाँ से, अगर ये आउटकम कुछ निगेटिव आता है, काफी सारे फंडामेंटल इवेंट्स है, तो यहाँ से अगर आउटकम निगेटिव आता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स होंगे। अभी फिलहाल मंथली चार्ट का सिनारियो सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से 3 दिन बचे हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर ये टेल छोड़ देता है और ऊपर आके ये क्लोज देता है तो चांसेस होंगे कि नेक्स्ट वीक, तो देखने के वाली बात हो ये होगी कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है या फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। ये हम मंथली चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में देखे तो यहाँ पर एग्जैक्ट अभी ये जो 50 EMA है अराउंड 11,225, अगर आप हमारे पास के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये 50 EMA यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जैसे कि इसने लो, ये वीकली चार्ट का लो है लास्ट वीक का, वो एग्जैक्ट इसी के पास लो लगाया और सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक यहाँ से हो सकता है। अगर होता है तो ऊपर एज पर वीकली चार्ट 20 EMA का रेजिस्टेंस होगा, जो कि अराउंड 11,500 के पास है अभी। तो 11,500 ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल है और नीचे 11,200 अभी 225 के पास है 50 EMA, तो 200 पकड़ लेते हैं। ऊपर 500 और नीचे 11,200, ये रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने देखा ये 150 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज इसके पास यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा था 2 दिन, लेकिन इसने ये भी ब्रेक कर दिया और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ये जो 200 डेज का आया सिंपल मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लैक लाइन है, ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, वो अराउंड 11,135 के पास आ रहा है। हमने देखा लास्ट पास में स्विंग मंथली चार्ट में 11,150 के पास आ रहा था, तो वो स्विंग हाई और ये 200 डेज का ये जो मूविंग एवरेज है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल के पास आ रहा है। तो अगर यहाँ से फॉल भी आता है, एक सडन फॉल, जैसे कि आज एशिया मार्केट हम देख रहे हैं थोड़ा प्रेशर में है, तो अगर यहाँ से अगर फॉल आता है तो नेक्स्ट यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट 11,150 के पास होगा। यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक दिखे। फ्राइडे का अगर ये कैंडल देखे तो थोड़ा सा हैमर जैसा लग रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना था थर्सडे के दिन, और उसके बाद अभी फ्राइडे के दिन ये ऑलमोस्ट है नहीं हैमर जैसा, लेकिन हैमर जैसा लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ अगर यहाँ से अप ट्रेंड दिखाना है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, तो ये जो 150 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है ये अराउंड 11,334 के पास है अभी। तो 350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है निफ्टी इंडेक्स, तो यहाँ से हमें टूवर्ड्स अपसाइड मूव दिखाई दे सकता है। RSI भी अभी ओवर सोल्ड जोन के पास है। पास्ट में हमने देखा था कि जब भी ये 30 के पास आता है, ये देखिए, ये जब भी 30 के पास आता है तो ऊपर प्राइस एक्शन में हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ से ये आया, यहाँ से प्राइस एक्शन में बाउंस बैक देखने को मिला, यहाँ पर भी बाउंस बैक देखने को मिला। ये कुछ एग्जाम्पल्स है पास्ट में ऐसा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी यहाँ पर ये होगा। अभी 30 के पास आ गया लेकिन अभी तक प्राइस एक्शन में कोई अपसाइड मूव या सिग्नल नहीं मिल रहा है। ये 11,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से कोई अपसाइड मूव हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये वीकली, डेली और मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में क्विकली, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे। ये निफ्टी का चार्ट, 60 मिनट का चार्ट है। अगर आप ये देख रहे हैं निफ्टी का फ्राइडे का है ऑलमोस्ट 20 EMA के पास आ रहा है एज पर 60 मिनट के चार्ट। तो अगर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो प्रीवियस डे का ये जो हाई 11,307 इसके ऊपर इसको सस्टेन होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट इमीडिएट क्विकली टारगेट होगा 11,324, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, जो कि पिवट पॉइंट का R1 का लेवल आ रहा है, और उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा
यहाँ पर जहाँ से ये फॉल दिखा रहा था, जो कि एक डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन बन सकता है, 11,354 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो यहाँ पर ये जो 1, 2, 3 आर्स इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया है, इसके नीचे अगर आता है और ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी ये थर्सडे का, ये 25 जुलाई का लो है, यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया था, स्विंग लो बन रहा है यहाँ पर, तो इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है 11,252 के नीचे, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,230, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,209, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।